उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी में सेवाएं देनी होंगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे 1 करोड़ रुपये की धनराशि जुर्माने के तौर पर यूपी सरकार को भुगतान करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई डॉक्टर पीजी कोर्स बीच में ही छोड़ देता है तो उसे 3 साल के लिए दोबारा कर दिया जाएगा। इन 3 सालों में वो दोबारा दाखिला नहीं ले सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की भी व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पताल में 1 साल नौकरी करने के बाद MBBS डॉक्टर को नीट प्रवेश परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी जाती है। वहीं 2 साल सेवा देने वाले डॉक्टरों को 20 और 3 साल पर 30 अंकों की छूट मिलती है। बताया गया है कि ये डॉक्टर PG के साथ ही डिप्लोमा कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं। गौरतलब है कि हर साल सरकारी अस्पतालों में तैनात कई MBBS डॉक्टर्स PG में दाखिला लेने के लिए नीट की परीक्षा भी देते हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि को जुर्माने के तौर पे लागू कर दिया है, ताकि डॉक्टरों की कमी और बीच में छोड़ने वाले डॉक्टरों के बर्ताव से बचा जा सके। इसके साथ ही नीट परीक्षा में जाने वाले लोगों के लिए भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।